चलिए अब करते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत। तो शुरुआत बड़ी खबर के साथ, राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रायपुर में आयोजित हुआ है प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम। जी हां, कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिमोट के जरिए रावण का पुतला जलाया। धूमधाम के साथ मनाया गया है ये दशहरा का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। धूमधाम के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनाया जा रहा है और भव्य आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र है। प्रदेश के सबसे बड़े रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिमोट के जरिए रावण का दहन किया, रावण का पुतला जलाया। धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार है दशहरा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये दो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, एक तरफ रावण जलता हुआ धूं धूकर और दूसरी तस्वीर में आतिशबाजी हो रही है। और रायपुर में अलग अलग जगह रावण दहन का जो कार्यक्रम था वो आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिमोट के जरिए रावण दहन कर किया, रावण दहन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए बतौर मुख्य अतिथि। और प्रदेश का, पूरे छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था जिसे आज आयोजित किया गया था राजधानी रायपुर। रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, सभी को इस अवसर पर बधाई शुभकामना। यह अवसर है असत्य पर सत्य की जीत का, यह अवसर है अंधकार पर प्रकाश की जीत का। और हम सब जो बुराई है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े, यही दशहरा उत्सव का संदेश है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक बड़ा आयोजन जो है राजधानी रायपुर में होता है उसकी तैयारियां और दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर आतिशबाजी की तैयारियां की गई थी और भव्य आतिशबाजी जो है यहां पर होते हुए दिखाई दे रही है। और आतिशबाजी के बाद यहां का माहौल देखने के लिए दूर दूर से जो लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा और आस्था भक्ति से इस आयोजन का आनंद लेने पहुंचते हैं। हजारों लोग इस पूरे कार्यक्रम का साक्षी बने हैं। तो जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, काफी महीनों से यहां की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती है। आतिशबाजी के बाद यहाँ पर रावण का पुतला दहन जो है वो भी होता है। ये जो करीब 40 से 45 मिनट की आतिशबाजी है ये यहाँ का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है और यही आकर्षण लेकर देखने के लिए जो है लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा पूरा राम दरबार जो है वो भी सजा हुआ है। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान की वेशभूषा में यहाँ पर जो है पूरा दरबार सजा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद यहाँ पर बटन दबाकर जो है इस पूरे आयोजन का शुभारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है यहाँ पर खुद पहुँचे हैं, उनकी जो लंबा इंतजार जो है वो करना पड़ा है और इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बारी बारी से इस मशीन के माध्यम से बटन दबाकर कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन के लिए पहुंचे हुए थे। रायपुर के मेयर एराज ढेवर जो है वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आतिशबाजी का आनंद लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं कि जो मेघनाथ का पुतला है, जो आखिरी पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है और उसी के अंदर जो है वो आतिशबाजी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। और भूपेश बघेल जिस तरीके से कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं कि ये जो आतिशबाजी है ये आतिशबाजी ही देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। बड़ा आयोजन जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन जो है वो होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक असत्य पर सत्य की जीत का जो पर्व है वो राजधानी रायपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रदेश का सबसे बड़ा भव्य कार्यक्रम राजधानी रायपुर में। और धूं धूं कर रावण जलता हुआ आप देख रहे हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक दशहरे का पर्व। और इस दशहरे के पर्व पर इस भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की।
और खबर बिलासपुर से है, बड़ी खबर मिल रही है जहां पर धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। विधायक शैलेश पांडे ने रावण दहन किया है। 65 फीट के रावण के पुतले का दहन किया विधायक शैलेश पांडे ने। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, शहरवासी शामिल हुए हैं। धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरे का पर्व। विधायक शैलेश पांडे ने रावण दहन किया है बिलासपुर में। ये देखिए तस्वीरें, बिलासपुर की तस्वीरें, जहां से तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज स्ट्रीट आपको दिखा रहे हैं और ये भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विधायक शैलेश पांडे पहुंचे और रावण का पुतला उन्होंने वहां पर जलाया। उधर मुंगेली में असत्य पर सत्य की जीत यानी कि दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। जिले के बीआर साहब स्कूल ग्राउंड में 40 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। दशहरा उत्सव मनाने के लिए पूरा स्कूल ग्राउंड खचाखच भरा था और इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को सोन पत्ती भेंट कर दशहरा पर्व की बधाई दी। छत्तीसगढ़ में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने रिमोट दबाकर प्रदेश के सबसे ऊंचे रावण का दहन किया। वहीं बेमित्रा मुंगेली समेत अन्य जिलों में भी रावण दहन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थी, तस्वीरें राजधानी रायपुर की तस्वीर जहां पर रावण दहन किया गया। तो वहीं बेमित्रा में भी भारी तादाद में शहरवासी लोग रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे और मुंगेली में भी धू धू कर रावण जलता हुआ आपको तीसरी तस्वीरों नजर आ रहा है जहां पर तमाम शहरवासियों के बीच में इस रावण का दहन किया गया।